सो ट्रेडर्स यहाँ पर 18,050 के कॉल में मुझे यहाँ पर एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखी है। यहाँ पर 18,050 का एक कॉल मैंने बाय कर लिया है और देखते हैं आगे इस ट्रेड में क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा लेता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो उसी का चार्ट मैं यहाँ पर क्विकली लगा देता हूँ। और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो यहाँ पर सेट कर देंगे, उस हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड क्या बैठ रहा है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जो है हम इस ट्रेड में नहीं देंगे। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो नियर अबाउट 6 to 7 पॉइंट का होगा, तो उसी हिसाब से मैं एक बार यहाँ पर स्टॉप लॉस देख लेता हूँ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हम इस ट्रेड में देंगे। सो जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारी जो बाइंग हुई है इस ट्रेड में वो 49.75 पर हुई है और इसके अगेंस्ट हम स्टॉप लॉस जो है हमारे यहाँ पर 43 रुपीज़ का देंगे। सो 1:1 का टारगेट हम इस ट्रेड में रखने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रखा है। सो देखते आगे ट्रेड में क्या होता है। यहाँ पर साइड बाय साइड मैंने पोजीशन भी लगा ली है, आप यहाँ पर पोजीशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पोजीशन है अभी 65 रुपीज़ के निगेटिव में दिखा रहा है। सो चलने देते हैं इस ट्रेड को, आगे हम जानेंगे कि यहाँ पर हमने ये ट्रेड क्यों लिया है, किस लॉजिक पर हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। सो ट्रेडर्स आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। सुबह से यहाँ पर 10 बजे से लेकर यहाँ पर 2.5 घंटे हो गए हैं, 12:30 तक ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन, इसका इसी बेस पर हमने यहाँ पर आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है। आपको यहाँ पर एक सपोर्ट भी दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो अभी चल रहा है। सो हम यहाँ पर जानेंगे कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया है। सो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को देख लेता हूँ। देखिए हमारे लेते ही ये जो ट्रेड है वो अभी निगेटिव में चलने लगा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजी के हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहेंगे और जो भी इस ट्रेड में हमें टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी मिलेगा उस हिसाब से हम जो भी होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हम बीच में एग्जिट नहीं करेंगे। सो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ सबसे पहले। सो हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने यहाँ पर नियर अबाउट 6.8 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया है, तो इस ट्रेड में हमारा जो लॉस होगा वो नियर अबाउट 300 to 350 रुपीज़ के आसपास होगा, तो उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम इस ट्रेड में नहीं देंगे, तो उसी हिसाब से हम टारगेट भी यहाँ पर रखेंगे। सो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद क्विकली हमारा जो पोजीशन है वो कभी कभी स्टॉप लॉस की तरफ भी चला जाता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ा ना जाए इसके लिए हम यहाँ पर क्विकली स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर 49.75 पर हमारी बाइक हुई है, 43 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके अगेंस्ट हम जो टारगेट देंगे वो 1:1 के हिसाब से हमारा टारगेट इस ट्रेड में रहेगा। सो मैं यहाँ पर टारगेट भी सेट कर देता हूँ। या तो सो हमने यहाँ पर टारगेट भी सेट कर दिया है और हमारा जो लॉस है उस स्टॉप लॉस को भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो देखिए ये जो ट्रेड है वो हमने क्यों लिया है अब हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बैठ रही है, यहाँ पर निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन का जहाँ पर टच हो रहा है उसके पीछे यहाँ पर 2 बार यहाँ पर क्विकली सपोर्ट लेने की निफ्टी ने कोशिश की है और इसी सपोर्ट के ऊपर और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर हमने एक बाइक अपॉर्चुनिटी देखी है। और ये जो फिब लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 0.236 का लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। सो अगर निफ्टी ने इसे सस्टेन किया तो ऊपर एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर भी अगर हम फिबो लगा कर देखते हैं तो भी हमारा यहाँ पर 0.236 का लेवल ठीक से बैठ रहा है। सो यहाँ पर 2 to 3 रीजंस की वजह से हमने इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस ट्रेड में। फिलहाल आप हमारी पोजीशन देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक इवन पर चल रही है। सो आगे जो भी कुछ होता है ट्रेडर्स मैं वो आपको अपडेट करता हूँ।
तो चलने देते इस ट्रेड को। सो ट्रेडर्स, बहुत बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह आज यहाँ पर निफ्टी वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 2 से 3 बार यहाँ पर निफ्टी ने हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया था, लेकिन हिट नहीं कर पाया। और अभी अगर आप देख सकते हैं तो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस नियर अबाउट हिट हो ही चुका है। 337 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है वो हमने इस ट्रेड में बुक किया है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पर हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पर बुक किया। निफ्टी ने आज रिटेलर्स को बहुत अच्छे से ट्रैप करने का कोशिश किया और हम यहाँ पर थोड़ा सा इस ट्रैपिंग में आ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट और लॉस से तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर बीच में कहीं पर एग्जिट नहीं किया। आखिरी तक हमने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस का वेट किया और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर दे दिया है। सो देखिए ट्रेडर्स, ऐसे ही वीडियो जो है वो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।